अयोध्या राम जन्मभूमि का विवाद दशकों से कानूनी दाव पेच में फंसा हुआ था, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई ने अयोध्या मामले में 40 दिनों तक नियमित सुनवाई की और 9 नवंबर को ऐतिहासिक फैसला दिया। सीजेआई रंजन गोगोई ने इस मामले में स्पष्ट फैसला देकर इतिहास रच दिया, क्योंकि इससे पहले भी इस मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में और भी चीफ जस्टिस आए, लेकिन वो इस मामले को सुलझा नहीं पाए। सीजेआई रंजन गोगोई रिटायरमेंट के बाद असम में अपने निवास पर रहेंगे। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई को असम में जेड प्लस की सुरक्षा दी जाएगी, जहां वो अपने रिटायरमेंट के बाद रहेंगे। अयोध्या मामले में फैसला सुनाने के बाद रंजन गोगोई की सुरक्षा गृह मंत्रालय द्वारा बढ़ा दी गई है। जिस तरह से रंजन गोगोई ने स्पष्ट फैसला दिया है, उससे उनको और अन्य 4 जजों की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही रंजन गोगोई के डिब्रूगढ़ स्थित पैतृक आवास और गुवाहाटी में उनके दूसरे घर की सुरक्षा भी बढ़ाने के आदेश दिए गए हैं। रंजन गोगोई की सुरक्षा को लेकर मोदी सरकार काफी गंभीर है। जिस तरह से रंजन गोगोई ने अयोध्या मामले में फैसला दिया है, उससे उन पर खतरा हो सकता है। और इस वक्त देश के गृह मंत्री अमित शाह है, जो देश की सुरक्षा को लेकर काफी गंभीर है। सीजेआई रंजन गोगोई ने देश का सबसे पुराना विवाद को हल करके अपने नाम को इतिहास के पन्नों में दर्ज करवा लिया है और अब जल्द ही भव्य और विशाल राम मंदिर का निर्माण शुरू कर दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।